आर्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ठीक है। कुछ दिनों से हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे थे, तो आज जो है हम इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पढ़ेंगे, और सबसे खास बात की क्लास जब भी स्टार्ट हो एट फर्स्ट यू हैव टू गिव योर अटेंडेंस, देन आफ्टर यू कैन वॉच योर क्लासेस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहता है फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले इस लाइन को आप अंडरमार्क कर लें कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो होते हैं वो किसी भी पौधे का बेहद सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे एक खूबसूरत एक हिस्सा होता है। फूल ए प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स फ्लावर्स, क्योंकि किसी भी पौधे को आप उसके फूलों से पहचान सकते हैं कि यह किस चीज का पौधा है। सम फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स एंड प्रेजेंट अ स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें इतने आकर्षक और मनमोहक खुशबुएं होती है, मतलब खुशबू होती है कि वो किसी भी कीड़े मकोड़े को, जैसे मधुमक्खी हो, जैसे तितली हो, इन सारे कीड़ों को अपनी ओर वह आकर्षित करता है। सम ऑन द अदर हैंड हैव अनप्लेजेंट स्मेल, और वहीं कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसकी जो खुशबू है वो उतनी ज़्यादा सुगंधित नहीं होती, या फिर उसमें कोई स्मेल ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा तो कोई फ्लावर नहीं है जिसमें कोई स्मेल ना हो, स्मेल तो सब सारे फ्लावर्स में होंगे, बट वो आकर्षक नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, है ना, उतना सुगंधित नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि कुछ ऐसे फूल हैं जो सुगंधित नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे जो बड़ा फूल है, द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, वो है रेफ्लेसिया फ्लावर। तो रेफ्लेसिया फ्लावर जो है वो उसका स्नेल, जैसे कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद जो उससे शरीर की बदबू आती है ना, ठीक उसी प्रकार का स्नेल उस फ्लावर से भी आता है, इसीलिए इसे सबसे बदबूदार फूल भी कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फूल की संरचना। फूल की संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक तो आपने प्लांट्स के पार्ट पढ़े हैं, बट अब आपको फ्लावर्स के भी पार्ट पढ़ने चाहिए। तो कहता है मोस्ट फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स, ज्यादातर फूलों के जो आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं वो एक ही जैसे, वो अलग अलग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट्स को, जैसे हम इंसान हैं, हम सारे लोगों की शक्लें एक जैसी नहीं है, परंतु हमारे नाक को नाक कहेंगे, दूसरे के नाक को कान कहेंगे, ऐसा नहीं है, सभी के नाक को नाक ही कहेंगे, ठीक है। ठीक फूल में भी इसी प्रकार से फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स के नाम ही बदलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले कहता है अ टिपिकल फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड द पेडिसल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये फूल है, फूल के निचले हिस्से में इस तरह का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। उसके बाद द टिप ऑफ द पेडिसल कंटिन्यूज एज द इनलार्ज्ड एक्सिस कॉल्ड द रिसेप्टिकल ऑफ द थैलेमस, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। ये जो है ना थैलेमस, एक थैली की तरह ये जो हिस्सा है ना, इसमें जो भी चीज निहित होते हैं इससे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेमस, ओके। उसके बाद द लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, द लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर्स आर कॉल्ड सेपल्स, मतलब आप यहाँ पर देखते होंगे ये पत्तियों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेपल, क्या कहते हैं सेपल्स। और विद इन द सेपल्स द फ्लावर्स हैज कॉल्ड द फ्लावर्स हैज अ होल ऑफ पेटल्स, और मतलब हो गया इसके अंदर इस तरह की संरचना का होना,
मतलब जो फूल की पत्तियां होती हैं उसे हम कहते हैं पेटल्स। ओके, तो सेपल्स और पेटल्स। ये सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पत्तियों की तरह ही निकले होते हैं फूल के निचले हिस्से में, उसे हम कहते हैं सेपल्स। और जो ये फूलों की पत्तियां होती हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, इसके बाद कहता है पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट इन कलर एंड फ्रेग्रेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। बेसिकली जो पेटल्स होते हैं उसी में एक आकर्षक खुशबू होती है और वो रंग बिरंगे होते हैं, चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं, जो किसी भी कीड़ों को अपनी ओर मोहित कर देते हैं। कहता है इनसाइड द पेटल्स द फ्लावर हैज अ स्टैमेन। इस पेटल्स के अंदर जो भी पार्ट इस पेटल्स के अंदर है, ठीक है, तो इसमें जो अंदर वाले पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टामेन्स। ठीक है, और इस स्टामेन में कहता है स्टामेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा, फूलों में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टामेन। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। Each stamen has a stalk and an anther. सारे स्टामिन के अंदर एक स्टॉक होते हैं लंबे जैसे, और उसके ऊपर एंथर होता है। द एंथर हैज पॉलन ग्रेन्स। इसी में आप ऊपर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स देखते होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स देखते होंगे। ओके, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहता है पॉलन ग्रेन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं परागकण, पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परागकण, परागकण। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यह किसी भी नए प्लांट्स के रिप्रोड्यूस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। Then we shall learn about this in higher classes. In the center of the flower is the ovary. और इसके बीच का जो पार्ट होता है जिसे हम ovary कहते हैं, ठीक है? यहाँ बीचों बीच एक पार्ट होता है जिसका नाम है ovary, ठीक है? Under, ठीक है? इसे आप अंडाशय कह सकते हैं, अंडाशय, ठीक है? मतलब जहाँ पर वो fertile होता है, जहाँ पर वो फ्यूज करता है ना, उसे हम ओवरी कहते हैं। इसके बाद दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जो परागकण होते हैं वो फ्यूज करके है ना न्यू सीड्स डेवलप करते हैं। कहता है द ओवरी एक्सटेंड एट द टिप इनटू अ स्लेंडर स्टाइल, स्लेंडर स्टाइल व्हिच टर्मिनेट्स इन द स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे पार्ट्स हैं फ्लावर्स। तो इसमें कई ऐसे पार्ट्स के बारे में चर्चा किया गया है, और अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो मेबी की साइड से आपको हर एक चीज़ों के बारे में समझाया गया है, और आप इसको और बेहद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझ होते सामने होते हैं तो शायद मैं बोर्ड पर अच्छे से बना करके पूरी टाइम दे करके मैं इसे अच्छे से आपको डीपली समझाता। बट इसके जो भी बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं मैंने उसके बारे में भी फिलहाल बताया है, क्योंकि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको हायर क्लासेस में दिए जाएंगे, यहाँ स्पष्ट दिख दिया गया। ठीक है, तो अभी जितनी जानकारियाँ चाहिए मैंने आपको भी बता दिया। फ्लावर्स कम इन अ वाइड वैरायटी ऑफ साइज शेप्स कलर्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ देयर फ्लोरल पार्ट। ठीक है, मतलब फूल जो होते हैं वो कई अलग अलग आकार के, रंग के, आकृति के, मतलब इन सब कुछ में वो डिफरेंट होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। कहता है सम फ्लावर्स हैव नो सेपल्स। कुछ फूल तो ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स होते ही नहीं, व्हाइल इन अदर्स, जबकि दूसरे में सेपल्स एंड पेटल्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेपल्स कौन है और पेटल्स कौन है। सम फ्लावर्स में हैव इधर स्टामिन और कार्पेल और बोथ स्टामिन। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टामिन होते हैं तो कार्पेल नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर दोनों। तो ऐसे कई एक्सेप्शनल
ट्रेडिशनल फ्लावर्स के जो हैं आपको अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग हाइब्रिड फ्लावर्स जो अभी खास करके क्रॉस फ्लावर्स जो होते हैं जो नर्सरीज में बेचे जाते हैं, तो वो सब क्रॉस करा करके है ना, दो अलग अलग सीड्स को मिला करके एक एक थर्ड वैरायटी का एक फ्लावर्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी इसका जनरेशन है अभी न्यू कॉमर्स, मतलब कि जो भी कमर्शियल पर्पज में जो फ्लावर्स उपजाए जाते हैं वो बेसिकली हाइब्रिड होते हैं, उसमें उतना खूबसूरत स्मेल वो सुगंध नहीं होता है जो पहले प्राचीन समय में जो फूल पाए जाते थे, जो फ्लावर्स पाए जाते थे उसका जो स्मेल होता था, अभी जो फ्लावर्स हैं उसमें दोनों में बहुत का फर्क है। क्योंकि जो प्राचीन समय के जो फ्लावर्स हुआ करते थे उसके जो स्मेल होते हैं ना वो एक किलोमीटर के रेडियस में फैला रहता था। अगर कभी आप उस इलाके में चले जाओ तो आपको वहाँ की महक जो है दूर से ही आने लगती थी, परंतु अब जो भी फ्लावर्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज से बनाए जाते हैं, सिर्फ घरों को सजाने के पर्पज से बनाए जाते हैं, परंतु उसका स्मेल बिल्कुल भी उस फ्लावर्स की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसकी नस्लें दूसरी हैं, ये सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है ठीक है, परंतु सुगंधित नहीं हो सकता। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। देखिए कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मैंने बताया एंथर जो होता है बेसिकली जिसे स्टामिन भी कहते हैं, स्टामिन के अंदर एंथर होता है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और जो स्टिग्मा होता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाता है तो वहां पर देखिए क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ईदर द सेम फ्लावर और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, मतलब एक फूल से दूसरे फूल पर या उस फूल से उसी फूल के अंदर कोई भी परागकण जब ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में चला जाता है, वो भी किसके किसके कारण, या तो विंड के कारण या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या एनिमल्स के कारण, है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन ठीक है, और ये इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े ठीक है, जैसे बटरफ्लाई है इस फ्लावर में बैठे वो वहाँ से रस चूस रहे थे, अब वहाँ से जैसे उसके मॉस्किटो जो होता है ना उसको प्रोबोसिस कहा जाता है, जो माउथ होता है तो उस माउथ में कभी कभी परागकण चिपक जाते हैं, फिर वो जब दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं तो फिर जब वहाँ से वो नेक्टर को सक कर रहे होते हैं तो उसमें वो परागकण छोड़ देते हैं, तो इससे क्या वो फर्टाइल हो गया ठीक है, तो उसके स्टिग्मा में वो परागकण चला गया। तो इस तरह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो कहता है आफ्टर द पॉलिनेशन हैज अकर्ड द ओवरी स्वेल्स अप, आप देखे होंगे कि जब उसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो नीचे जो ओवरी होता है यानी सेपल्स और पेटल्स का बीच का हिस्सा जो होता है बेसिकली वो मोटा हो जाता है, फैल जाता है। कहता है एंड चेंजेस इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल चेंज इनटू सीड्स, तो देखिएगा कि जो ओवरी होते हैं ना ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट। इस दो टर्म को आप अच्छे से अंडरलाइन कर लें, ध्यान से सुनिए, ओवरी जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फ्रूट्स में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सीड्स में ठीक है। तो आप जानते हैं कि एवरी फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट है ना, जितने भी फूल होते हैं वो सब कन्वर्ट होकर किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाते हैं ठीक है, और फल के अंदर क्या रहता है, सीड रहता है। तो जितने भी ओवरीज हैं वही फ्रूट्स बनते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड्स ठीक है। दस अ फ्रूट इज मेड अप ऑफ अ फ्रूट वॉल एंड सीड्स, और इस प्रकार से जो होता है फ्रूट वॉल यानी कि फल के बाहर का जो डाटा होता है ना, और अंदर जो बीज होता है इसका निर्माण होता है। सम फ्लावर्स आर कंपोजिट फ्लावर्स, कुछ फूल जो होते हैं वो कंपोजिट फ्लावर्स कहलाते हैं। अब देखिए ये क्या है, जैसे मैरीगोल्ड फ्लावर है इज ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इसमें ढेर सारे फूलों का एक समुच्चय होता है, समूह होता है, तो व्हाट यू सी एज अ सिंगल पेटल इज एक्चुअली अ होल फ्लावर। हाँ, तो क्या आप सिंगल पेटल में ही ढेर सारे फूलों को आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। अब नोटिस द पोजिशन ऑफ द ओवरी, व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स आर अरेंज्ड अबव द ओवरी द फ्लावर इज नोन एज एपिसिनस फ्लावर, एंड व्हेन द सेपल एंड पेटल्स आर अरेंज्ड बिलो द ओवरी इट इज कॉल्ड हाइपोजिनस फ्लावर्स। तो ये एक खास किस्म के फूल के बारे में बताया गया है कि जिसमें ओवरी का जो पोजीशन होता है वो
और सेपल्स और पेटल्स के अगर ऊपर हो तो इसे हम एपिजिनस फ्लावर कहेंगे, और जिस फूल में सेपल्स और पेटल्स के नीचे अगर ओवरी अरेंज किया गया हो या ओवरी का पोजीशन नीचे की ओर हो तो इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग हाइपोजिनस फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का जो लेसन 7 था प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस, ये आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आप लोगों से इतना ही बस चाहूंगा कि आप लोग इसके समरीज, इसके की टर्म्स को अच्छे से पहले पढ़ लें, इसके पश्चात आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को पहले ढूंढ लोगों का अच्छे से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और तब जाकर के नेक्स्ट आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल कम से कम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यानी टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट तक आप लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का सिलेबस रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोगों का जो लेसन कम्प्लीट हुआ है, लेसन 1, 2, 3 और 4, ये आपका फर्स्ट टर्म का था जो कि पहले ही पढ़ा दिया गया था, और इस टर्म के लिए जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लेसन 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ तक मैंने रेगुलर पढ़ाया है, 5, 6, 7 तक, 7 तो आज कंप्लीट हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ 2 दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 5, 6, 7 और नीचे मैंने पढ़ाया है 14, 15 और 16। तो टोटल 6 लेसन अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप लोगों का प्रिपेयर हो गया है। अब बस जो भी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए हैं तो फटाफट कोशिश करें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स बना लें, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले प्रिपरेशन का एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, अब नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।